हे गाइस, दिस इज सोन कुमार 2.0 एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी YouTube वीडियो में एंड स्क्रीन किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, एंड स्क्रीन से भी आप व्यूज ला सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आपका जिस भी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आ रहा है, आप उसके वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दीजिए, यानी दूसरे वीडियो को लगा दीजिए। तब जाके लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो में जा करके वो वीडियो भी आपका देखेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी YouTube वीडियोज में एंड स्क्रीन किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू कर दें। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। जी हाँ फ्रेंड, आपको यूट्यूब नहीं, आपको क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है youtube.com। ठीक है, सिंपली से आपको ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं, सिंपली से आपको ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे इसे ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइट पे ओपन किया हुआ है फर्स्ट में ही। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में गैलरी का मतलब आपका प्रोफाइल पिक्चर मिलेगा, सिंपली से आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू योर चैनल पे क्लिक कर देना है। व्यू योर चैनल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा। वहाँ पे आपको मैनेज वीडियो पे क्लिक करना है। मैनेज वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। आप देख सकते हैं, आपके जितने भी सारे वीडियो होंगे यहाँ पे आपको शो होंगे। तो आपको जिस भी वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना है, सिंपली से आपको उस वीडियो पे क्लिक कर लेना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली से यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन लगाने का ऑप्शन जो है यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो सिंपली से आपको क्या करना है कि यहाँ पे एंड स्क्रीन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर आपको अपने से कुछ फॉर्मेट बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो वीडियो है यहाँ पे सिंपली से आपको टैप करना है। ठीक है, और आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो आ चुका है। फिर से यहाँ दूसरा वीडियो का लेयर आ गया। फिर यहाँ पर तीसरा वीडियो का लेयर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वीडियो सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ ब्लैंक्स में क्लिक करेंगे, फिर से एक वीडियो लेंगे। यहाँ पे हम दूसरे वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर तीसरे में हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद यहाँ पे चूज स्पेसिफिक वीडियो पे आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी एक वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे चारों में हम यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। और बीच में अगर यहाँ पर हम सब्सक्राइब लगाना चाहते हैं, मतलब अपना चैनल का प्रोफाइल लगाना चाहते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 4 से ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 स्क्रीन लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको छोटा करना है। आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस टाइप से छोटा कर लेना है। ठीक है, हमें इतना बड़ा नहीं रखना है, हमें इतना छोटा रखना है। ठीक है, तो सारे को हम इतना छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद सिंपली से आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका जो एंड स्क्रीन है वो आपके वीडियो पे लग जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।